हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अनुराधा, एक न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, लेकिन मैं आपको बहुत ही बेसिक वीडियो बनाने वाली हूं इस में कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। हम सबको पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, लेकिन यू नो मेरे पास अभी भी बहुत क्वेरीज आती हैं जिसमें लोग बोलते हैं कि मतलब जो अपनी वो प्रॉब्लम बताते हैं ना, तो उससे मुझे साफ पता चलता है, समझ में आता है कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, आपको पता है कि हमारा एक एक थॉट जो हमने क्रिएट किया यू नो, वो मैनिफेस्ट होता है और वो हमारी रियलिटी बनता है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ ब्यूटीफुल हो, आपकी लाइफ में वो सब कुछ हो जो आप चाहते हैं, अच्छा करियर, अच्छी लाइफ, अच्छा लाइफ पार्टनर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो आपको वैसे थॉट क्रिएट करने होंगे। जब आपको पता है कि आपका एक थॉट क्या वंडर कर सकता है यू नो, या क्या नेगेटिविटी क्रिएट कर सकता है, तो क्यों ना हम अपने थॉट्स को उन्हीं डायरेक्शन में यू नो, लेके जाएं। क्यों ना हम वही थॉट क्रिएट करें जो हमें यू नो, आगे प्रॉस्पेरिटी दे, आगे हमारी लाइफ को और बेटर बनाए। जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते हैं, सुनते हैं, वीडियो देखते हैं, आई एम श्योर अब तक आप लोगों को ये अच्छे से पता है कि आपका एक थॉट, एक नेगेटिव थॉट 1000 नेगेटिव थॉट्स यू नो क्रिएट करता है, उसको मल्टीप्लाई होता है। तो लेकिन क्या हो जाता है, हमें पता होता है, लेकिन हम फिर भी क्या करते हैं, जब सिचुएशन आती है ना, हम उस पर उसको एप्लीकेबल नहीं कर पाते हैं, एंड देन फिर हम वही परेशानी यू नो, चले जाते हैं, नेगेटिव पर नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते रहते हैं। पार्टनर से प्रॉब्लम है, फैमिली से प्रॉब्लम है, फ्रेंड से प्रॉब्लम है, देन यू नो, हमारे वही ग्रजेस चलते रहते हैं, नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं। सो नाउ व्हेन यू नो कि आपका एक थॉट, एक पावरफुल थॉट आपकी रियलिटी क्रिएट कर सकता है, तो क्यों ना हम नेगेटिव थॉट से शिफ्ट होकर हम अपने पॉजिटिव थॉट्स पे जाएं। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम कैसे काम करते हैं, हम वो थॉट क्रिएट करते हैं जो जैसा हमें लाइक ना हम कैसे करते हैं, लाइक प्रेजेंट टेंस पे लिखते हैं, राइट, हम ऐसे लिखते हैं कि जैसे वो ऑलरेडी हमारे पास है, ऑलरेडी हमें मिल चुकी है। क्यों हम ऐसे करते हैं, हम पास्ट टेंस में क्यों नहीं करते, फ्यूचर टेंस में क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आप जैसा सोचोगे, आप जैसा बोलोगे, जैसी पिक्चर आप क्रिएट करोगे, वो ही आपकी रियलिटी बनता है। अगर आपने सोचा कि मेरे पास एक बहुत ही ब्यूटीफुल यू नो, ग्रीन कलर या रेड कलर या व्हाइट कलर की कार है, मैं उसमें ड्राइव कर रहा हूँ, मैं यू नो, अपने ऑफिस तक जा रहा हूँ उसमें, तो आपके माइंड को सिग्नल मिल रहा है कि ओके, यू आर ऑलरेडी एंजॉयिंग द स्पेस। तो आपका माइंड जो है आपको और अपॉर्चुनिटी देता है, यूनिवर्स आपको और सिग्नल देते हैं टू अचीव दैट थिंग। ठीक है, रिलेशनशिप में अगर मान लीजिए आपकी प्रॉब्लम चल रही है और आपने उसको साइड में कर दिया प्रॉब्लम को, एंड आप यू नो, वो सोच रहे हैं जो नहीं है। देखिए, इसमें आपको क्या करना होता है, जैसे मैं बोलती हूँ ना, फेक इट टिल यू मेक इट, वो एक्सपेक्ट कीजिए, जो आपकी रियलिटी है वो थॉट मत क्रिएट कीजिए। जो ऑलरेडी का मान लीजिए प्रॉब्लम चल रही है, ऑलरेडी इश्यू चल रहा है, वो मत सोचिए। जो आपको रियलिटी बनाना है, जैसा आप अपना प्रेजेंट चाहते हैं, जैसा आप अपना फ्यूचर चाहते हैं, वो थॉट क्रिएट कीजिए। तभी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में प्रेजेंट टेंस में यू नो, बात करते हैं एज अफ वो हमें ऑलरेडी मिल चुका है, क्योंकि हम आगे का अपनी यू नो, फाउंडेशन बना रहे हैं कि हमें, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को देखिए कुछ समझ में नहीं आता, उसको वो इमेज, वो इमोशंस जो हम क्रिएट करते हैं वो समझ में आता है। आज अगर मैं मान लीजिए सैड वाला इमोशंस क्रिएट करूँ कि वो गॉड, मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा, तो सबकॉन्शियस माइंड कहेगा कि ओके भाई, देखो तो प्रॉब्लम है, तो यू मीन्स यू नीड मोर प्रॉब्लम, यू आर आस्किंग फॉर मोर प्रॉब्लम। लेकिन यही अगर इसका मैं ऑपोजिट करूँ, यू नो, मैं उसको बोलूँ कि नहीं, मेरा रिलेशनशिप बहुत अमेजिंग चल रहा है, यू नो, मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ, आई एम लिविंग टू द फुलेस्ट, तो वो कहेगा ओके, ये चाहिए। तो यू नो, दैट्स हाउ योर सबकॉन्शियस माइंड वर्क। सो आपको देखिए, ये सुनने में बहुत आसान लग रहा होगा, राइट, कि आपको पॉजिटिव सोचना है, आपको जो रियलिटी क्रिएट करनी है उसके बारे में सोचना है, बट आई नो इट इज डिफिकल्ट, डेफिनेटली इट इज डिफिकल्ट, अंटिल यू डोंट प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, अंटिल यू डोंट प्रैक्टिस दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ। देखिए, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे लेती हूँ, ऑफकोर्स मैनिफेस्टिंग एक डिफरेंट चीज होती है, लेकिन मैं इसको ऐसे भी लेती हूँ कि अगर मान लीजिए आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है ना, सो मेरा बस ये होता है कि पॉजिटिव रहना है, सी समहाउ आपको पॉजिटिव रहना है, आपको अपनी वाइब्रेशन हाई करनी है। तो मैं एकदम से क्या करती हूँ कि अगर मान लीजिए किसी
चीज में प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल आप मेरे काम में मान लो इशू आ रहा है, तो अब मैं काम के बारे में सोचती रहूंगी कि प्रॉब्लम चल रही है, तो ऑब्वियसली वो मैं हमेशा नेगेटिव ही रहूंगी या सैड रहूंगी या इन फ्रस्ट्रेटेड रहूंगी। तो मैं हमेशा अपना ना थॉट शिफ्ट कर लेती हूँ, ये सोचती कि वाह यू नो मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, यू नो आई एम गेटिंग दिस आई एम गेटिंग दैट, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। तो इन अ वे आप क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए, एंड प्लस आपने अपने माइंड को भी सिग्नल दे दिया कि ठीक है सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है। तो आपको क्या पसंद है, आप नेगेटिव रहना पसंद करेंगे या आप पॉजिटिव रहना पसंद करेंगे? एंड पॉजिटिव रहने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं करने हैं, इट्स जस्ट कि आपको अगर मान लीजिए आपको अपने पार्टनर में प्रॉब्लम है, उस टाइम को सोचिए जो अच्छा टाइम आपने अपने पार्टनर के साथ स्पेंड किया था या आपके पार्टनर ने आपके लिए कुछ भी कुछ किया होगा। एंड ट्रस्ट मी इट वर्क्स, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है ये, और मैं आपको बता रही हूँ कि अगर जब भी आपको कोई भी इश्यू लगे ना सिबलिंग से, फ्रेंड से, ऑफिस में, कहीं पे भी, थॉट्स को शिफ्ट कीजिएगा एंड यू नो एकदम से अपने माइंड को वहां पे लेके जाइए जो अच्छी अच्छी चीजें हुई हैं आपके साथ, तब आप देखेंगे कैसे आपका माइंड एकदम से थॉट शिफ्ट होता है एंड कैसे आपकी वाइब्रेशन चेंज हो जाती है। जो पहले आप एकदम लो वाइब्रेशन में आ गए थे इश्यूज के बारे में सोच के, प्रॉब्लम के बारे में सोच के, अब जब आपने अपना थॉट पूरा यू नो फोकस शिफ्ट कर दिया है, एकदम से सडनली आप यू नो यू हैव बिकम ग्रेटफुल, यू आर लाइक यस वो पर्सन ने मेरे साथ अभी जो भी किया लेकिन उसने यू नो पास्ट में मेरे साथ बहुत अच्छा किया है, दैट पर्सन इज सो आई एम सो ग्रेटफुल टू हिम या हर, उसने मेरे साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया, उसने मेरे को इतनी हेल्प की, इतनी सपोर्ट की, उसने मुझे कभी ऐसे नहीं किया। तो इन सब चीजों पर आप लेके आओगे ना एंड जब आप ये प्रैक्टिस करोगे तब आप देखना आपके बहुत आसान हो जाएगा अपने थॉट्स को शिफ्ट करना। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं है लेकिन वैसे डिफिकल्ट है, क्योंकि यही तो आपका चैलेंज है कि आपको अपने थॉट्स को कैसे शिफ्ट करना है, कैसे आपको पॉजिटिविटी में रहना है हमेशा। सो यही चैलेंजिंग पार्ट है, लेकिन चैलेंजिंग पार्ट आपके ग्रेटिट्यूड के साथ शिफ्ट होता है। सो बी ग्रेटफुल फॉर ऑल द सिचुएशन, जैसी भी सिचुएशन चल रही है, एंड देन अगर नेगेटिव भी सिचुएशन चल रही है ना फिर भी उसको देखो कि कोई बात नहीं, एटलीस्ट मेरे पास रहने के लिए घर है, मेरे पास मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे पास मेरी फैमिली है, मेरे पास अभी एटलीस्ट इतनी वर्स्ट सिचुएशन नहीं है, आई एम सो ग्रेटफुल। सो आप जब धीरे 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 से प्रैक्टिस करेंगे तब आप देखेंगे कि आपके थॉट में कैसे चेंज आता है एंड कैसे आपकी लाइफ मैनिफेस्ट होती है जैसा आप चाहते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, प्रेजेंट में रहिए, वो रियलिटी क्रिएट कीजिए जैसे आप चाहते हैं, उन थॉट पे फोकस कीजिए एंड अपने लाइफ में मैनिफेस्टेशन को लेकर आइए। सो आई होप इस वीडियो से आपके डाउट थोड़े क्लियर हुए होंगे, आपको समझ में आया होगा कि कैसे सिर्फ थॉट्स पे फोकस करना है और कुछ नहीं करना है। सो अगर आपको कोई डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो से अगर आपको हेल्प मिली है तो मुझे जरूर बताइए एंड इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए जितने आप कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। So thank you so much for watching my video and I'm so grateful to all of you. Thank you. Bye-bye.